वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद आपका। हमारा फेवरेट सेगमेंट, उसका वक्त हुआ जाता है हमारा गेस्ट सेगमेंट। गेस्ट सेगमेंट हम इसको बोल रहे होते हैं क्योंकि हर दिन हम आपके लिए नए मेहमानों को लेकर आते हैं, नए एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं। इस सेगमेंट में हामून हम सबसे ज़्यादा दिल की बात कर रहे होते हैं। दिल की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अगर दिल की बात कर रहे होते तो मैं दिल से कहूँगा कि आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत है, हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में और यहाँ से हमारे पड़ोस में ही शकरपड़ियाँ हैं और शकरपड़ियाँ से ही उनका ताल्लुक है। राजा चंगेज़ सुल्तान नाम जिनका सुनते हैं हम तो हमारे जहन में बहुत सी पेंटिंग्स आ जाती हैं और जिन पेंटिंग्स के हम दिलदादा हैं और जिनकी एग्जीबिशन ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ओमान, दुनिया के बहुत से ममालिक में हो चुकी है और 50 से ज़्यादा उनकी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। और जब हम शायरी की बात करते हैं तो उनकी शायरी जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में है, उनकी कुछ किताबें आ भी रही हैं और उनकी शायरी जो है उसका तर्जमा पोठवारी में भी हो चुका हुआ है, दूसरी ज़बानों में भी उसका तर्जमा होता जा रहा है। और जब हम उनकी शायरी की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा कि उनकी शायरी की बात भी उन्हीं के मुंह से सुनी जाए, और जब हम उनके आर्ट वर्क की बात करेंगे, उनकी पेंटिंग की बात करेंगे तो वो भी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, तो हम खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी, आपकी दुआ। सब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। हाँ, बहुत खुशी है जी। अच्छा सर, थोड़ा अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें, आपके स्टार्ट तो पता नहीं कहाँ से करें, इतनी अचीवमेंट्स आपके नाम पे, इंटरनेशनल अवार्ड्स आपके नाम हैं बहुत सारी। अगर हम सिर्फ एग्जीबिशंस की बात करें तो 50 सोलो एग्जीबिशंस, एक करवाना, लोग एक के लिए इतनी मेहनत करते हो, लोग कहते हैं हमारा एक सोलो एग्जीबिशन हो जाए, 50 कैसे करवाए आपने? जब 17 साल की जिंदगी हो माशाल्लाह तो 50 तो बहुत कम है, हर एक करवा लेते। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं होती। कोशिश ये होती है कि जो आप करें उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपकी सोच से ताल्लुक़ रखती हो और खूबसूरती को डिफाइन करती हो, बजाते हो। बहुत आर्टिस्ट हैं दुनिया में और हर एक अपने ही एक अंदाज होता है और इस वास्ते कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता एक दूसरे से। और जिस तरह आपने बात की कि हर आर्टिस्ट है उसका हर एक का अपना काम होता, अपना है, अपना अंदाज होता है काम करने का। आपकी अगर बात की जाए तो आपका आर्ट बाकी लोगों के आर्ट वर्क से मुख्तलिफ किस तरह से है? ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपके आर्ट को सबसे मुनफरिद बनाती है या दूसरों से थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये देखने वाला ज़्यादा बेहतर जानता होगा रियली, बट हर इंसान यू नो जो भी पेंटिंग करता है ना वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, क्या उसने पेंट करना है, किस तरीके से उसने पेंट करना है। तो एक तो टेक्निक का कुछ एस्पेक्ट आ जाता है और एक सब्जेक्ट मैटर, एंड सब्जेक्ट मैटर का ताल्लुक ज़्यादातर उसकी अपनी सोच और जहन के मुताबिक होता है ना, क्या उनको अट्रैक्ट करता है ज़िंदगी में। सो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं बाय एंड लार्ज, बिकॉज 70 साल में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, तो उसमें द डिवाइडेड सेल्फ, जो बांटा हुआ इंसान, बिकॉज हर इंसान में कई इंसान बसते हैं, तो वो जो पहलू है हमारी जिंदगियों का, एक इंसान आपको आगे की तरफ खींचता है, एक पीछे रखता है, एक कहता है कि थोड़ा सोचो, दूसरा कहता है क्या सोचने की ज़रूरत। तो ये सारे किस्म की पर्सनालिटीज़ जो हर एक इंसान में होती हैं उनको विजुअली किस तरीके से बयान करना है, तो ये सबसे पहले ये एरिया था मेरे काम का। तो द सीरीज वाज कॉल्ड द डिवाइडेड सेल्फ, एंड शुरू तो मैंने की थी 1968 में, लेकिन अभी तक मैं कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ होगा एक इंसान या इंसान की फितरत में जो आपको इन्वॉल्व रखता है। सो यू वर अबाउट 17-18 इयर्स ओल्ड जब आप बात कर रहे हैं कि जब से आप? जी, आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, मोर लेस व्हेन, किस हद तक आप जब मैंने डिसाइड किया था कि
मेरी ज़िंदगी जो है ये 10 पोइम्स और 10 पेंटिंग्स के ऊपर यानी कि आपने सेट किया था कि एम्बिशन किया था कि 10 पोइट्री और 10 पेंटिंग्स एंड 10 पेंटिंग्स किस हद तक सर फिर वो 10 से फिर 50 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो आपने गोल सेट किए इट्स लाइक इफ यू विश टू डू 10 गुड पेंटिंग्स एंड 10 गुड पोइम्स इन अ लाइफ टाइम यू एक्चुअली नीड 2 लाइफ टाइम्स वाओ सो कांस्टेंट वो हर वक्त आप अपने टाइम में कट करते रहते हैं कई सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप नहीं करते हर और चीज़ें होती हैं जो आप छोड़ते हैं और जैसे ही आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाती है तो कुछ ना कुछ और बाकी चीज़ों में कमी आती जाती है और फिर जो एसेंशियल चीज़ें रहती हैं वो ही आप अपने साथ सर अगर ऐसे भी होता है कि हमने सुना है कि जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे शायर भी होते हैं तो आपको तो रब ताला ने दोनों कैफियात से नवाजा हुआ है कि किसी लम्हे आपको ख्याल आता है उठते हैं और आप पेंट करना शुरू कर देते हैं फिर आपका सिलसिला रुक जाता है चंद दिन गुजरते हैं फिर उस पेंटिंग को आप लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये किस तरह की वारदात होती है तसलसल टूटता नहीं है इसी नहीं देखिए हर इंसान का एक अपना काम करने का अंदाज होता है ना मैंने तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चलाया कि एक दिन में 10 से 16 घंटे तक मैं काम करता हूँ तो चाहे वो अपनी लिखाई में हो चाहे पेंटिंग में हो इतना कम से कम टाइम मेरा अपने काम पे सर्फ हो जाता है ठीक है फिर आपके काम को भी देखा जाए क्या ख्याल है एग्जैक्टली इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं वैसे पेंटिंग जैसे तो नहीं देख सके हम लेकिन हमारे पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं राजा साहब के काम की सो ज़रा स्क्रीन पर दिखाई जाएँ अरे वाह सर थोड़ा सा कब ये आपने पेंट किया था थोड़ा बहुत इसको भी आप हर अपने आर्टवर्क को एक्सप्लेन करें इसके पीछे हिस्ट्री क्या है बैकग्राउंड क्या है ये जो एक पेंटिंग है ये भी सीरीज है कॉल्ड द हिमालयन ओडिसी ठीक है क्योंकि डिवाइडेड साहब जो फिगर के साथ ताल्लुक रखती है या इंसानी जहन के साथ That started, as I said, in 69 or thereabouts. Okay. ये जो series है, this started in 1991. क्योंकि आप कुछ अर्सा कुछ मेरे ख्याल टाइम पहले टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो मेरा अपना कोई 25 साल गुजरा है इन टूरिज्म मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छा तो ये जो सीरीज है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ seeing all the different places okay. in our north and spending a lot of time there aur ye bhi to ye result sara un ilaqon ka hai basically acha to so in themes ke upar main likhta bhi hu aur inko paint bhi karta hu zabardast sir iske bare mein kuch batayega ye kya hai this is a series this birds of paradise and obviously masumiyat innocence those aspects are part and parcel of it so ye aapki exhibition ke picture hai nahi ye meri apni gallery ki picture hai acha jo mere ghar mein zabardast acha sir iske bare mein kuch batayega and ye do himalayan odyssey ki offshoot hai jo because dikhta bhi hona in cheezon pe na तो उसका जो लास्ट स्टैंजा है उसके ऊपर देयर आर डिफरेंट स्पिरिट्स और यू नो सर अगर बहुत सारी जो आपकी अभी मैं आर्टवर्क आपका देख रही हूँ उसमें बहुत डार्क कलर्स यूज़ हुए हुए हैं बहुत मतलब एक अगर दिखाया जाए जिस तरह अब भी ये देखें ये ब्लैक एंड वाइट ये चारकोल से अच्छा ज़बरदस्त जबरदस्त तो सर क्या रंगों का कितना ताल्लुक होता है पेंट करते हुए कोई स्क्वॉश्ड आ रही है पिक्चर्स व्हाट अबाउट दिस वन सर ये दिस वाज द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द डिवाइडेड सेल्फ सीरीज ओके तो ये टेक्निक तो बहुत सॉफ्ट थी बिकॉज़ दिस इज वाटर कलर्स एंड बट दिस यूज्ड विद निब्स
as opposed to brushes. ये handsome young man, so dashing, stylish. ये कोई था. कोई था. आपको लगा कि सर है. सही है माशाल्लाह. किसी से का था. अरे वाह क्या बात है. खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिली, खूबसूरत आर्टवर्क देखने को मिला. और जो कलर्स की चॉइस बात करी थी तो मैं भी देख रहा था कि ग्रीन और ये इसका जो ब्लू का डार्क कलर्स है, सबसे ज्यादा ग्रीन और ब्लू ये कलर्स बहुत ज्यादा नजर आए. अच्छा सर ये मागला हिल्स भी तो वो दे शोड यू दैट इन थोड़ी सी पेंटिंग्स. जी जी. हर आर्टिस्ट हर किस्म के कलर के साथ खेलता है. जी अच्छा. कुछ लिमिट करते हैं अपने आप को. मुझे जो लिमिटिंग एस्पेक्ट वो अच्छा नहीं लगता. मैं अगर कोई मटेरियल हो आई कैन प्ले विद इट. जो अच्छा, अगर आपसे सर एक बात पूछूं मैं कि स्पिरिचुअलिटी का किस हद तक एक रिश्ता होता है किसी आर्टिस्ट के साथ. हाउ स्पिरिचुअल एन आर्टिस्ट इज. देखें ये तो अगेन इंसान पे डिपेंड करता है ना. बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी द लास्ट थिंग दे थिंक अबाउट. लेकिन आप एस्थेटिक्स और एक आर्टिस्ट का रिलेशनशिप जो होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. लेकिन कुछ थीम्स आर्टिस्ट ऐसी पिकअप करते हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी होती है. तो अभी एक मेरी सीरीज है इट्स कॉल्ड द क्रूसिफिक्शन ऑफ ईव. एंड उस पे जो हजरत ईसा की इमेज है उसको हटा के जो एक ईव या औरत की इमेज है आई पुट दैट आउट देयर. और फिलॉसफी ये है कि हजरत ईसा अल्लाह उनको हर किस्म का रुतबा अता करे. वो एक इंसान थे, एक मर्द थे. कुछ अर्सा उन्होंने दुनिया में गुजारा और उसके बाद बहुत बड़ा नाम छोड़ा पीछे. सब दुनिया का बड़ा मज़हब उनके एक किस्म का पीछे है. लेकिन जो औरत है वो हजरत माहवा से स्टार्ट होकर आज दिन तक हर किस्म की सफरिंग हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करती रही है. तो अगर किसी ने क्रॉस उठाया है अच्छा दुनिया का या और आज तक उठाया हुआ है तो वो औरत है. बिल्कुल. सो पुट अ वुमन ऑन द क्रॉस एंड दैट्स अ सीरीज कॉल्ड द क्रूसिफिक्शन ऑफ ईव. We crucify her every day and then सर आपके साथ तो थोड़ी सी अगर एक बात में क्योंकि definitely हम आपके जब profile भी पढ़ रहे थे उसमें आपकी degree जो है वो एक journalism में है अगर मैं गलत नहीं हूँ. जी जी. journalism और फिर artist और फिर writer. fine arts भी है. my first degree is in MFA in creative writing and writing. Basically I'm a poet and a painter. So we would love and to have some poetry from from you sir. It's all in English though. aap sir English bhi chalegi sir dodegi. aapne bataya tha ki uska portfolio mein bhi tarjuma hua hua hai. wo to kitab maine di hai bhi kis shakar padhi hai wo 40 pages ki ek poem hai. acha acha. jisko kisi ne bahut acche ट्रांसलेटर ने शुएब खालिक साहब ने बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे भाई हैं हमारे. जी जी शुएब खालिक साहब इज डन अ वंडरफुल जॉब. और किसी ने फिर उन्होंने फिर उर्दू में भी ट्रांसलेट किया उसका. तो चलें हमारे पास किताब पूरी मौजूद है. हम अभी इस शो के बाद जो है वो किताब उसमें से सर की पोइट्री हम पढ़ लेंगे. वो कोई मसला नहीं. सर अभी बहुत सारे यंग आर्टिस्ट देख रहे हैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में. हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वैसे तो तमाम लोग देख रहे होते हैं तमाम उम्र के लेकिन यंगस्टर्स भी हमें भी देख रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि वो आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं वो राइटर भी बनना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. लेकिन एक देखा जाए ना कि उनको पता नहीं होता कि किस तरह से उन्होंने किस ट्रैक पर रहना है और किस तरह से अपना गोल उन्होंने अचीव करना है. उनको आप क्या इस एडवाइस देना चाहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू
कि वो किस तरह से एक ट्रैक पे रह सकते हैं, सीधे ट्रैक पे, कि वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। देखिए इस मुल्क में तो ज़रा मुश्किल है ट्रैक पे रहना, और कई दफ़ा आप जब पटरी से उतर जाते हैं ना तो आप बेहतर देख भी सकते हैं और बेहतर पेंट भी कर सकते हैं। तो पटरी पे रहना ठीक नहीं होता हमेशा? आई थिंक कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप आर्टिस्ट को। पटरी तो जिंदगी की ठोकरें खाने से ही इंसान को नजर आती है ज़्यादातर। बट अगर किसी ने लिखना हो या पेंट करना हो तो उसका एक ही तरीका है, आप लिखते रहो और पेंट करते रहो, चाहे आप पटरी के ऊपर हो या ना हो। ठीक है, तो उस कमिटमेंट के साथ, उस हौसले के साथ आपको बाकी चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं ऑर्डिनरली उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आपने लिखना है तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, और आपने पेंट करना है तो फिर भी कोई नहीं रोक सकता। फिर हर तरह से अगर आप देखें तो कोई भी। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप कमिटमेंट शुरू से करें और जैसे चलो अगर मैं अपने एग्जांपल दे दूं तो 19 साल की उम्र में मैंने सोचा कि 10 नज़में और 10 पोइम्स उस लेवल की लिखनी है जो एक ज़िंदगी को मुकम्मल कर ले। तो फिर बाकी चीज़ें जो आप करते हो या नहीं करते हो उनकी अहमियत नहीं रहती, अहमियत इन 10 चीज़ों की रहती है और वो आप ज़िंदगी में उसको हमेशा कंटिन्यू करते हो। सर, इन खूबसूरत अल्फाज के साथ हम इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड भी रहेगा आपके साथ, एक और महफिल बनती है और एक और महफिल आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमारी आँखें भी जो हैं वो बड़ी हीरोइन वंडरफुल आर्ट वर्क जो हमने भी देखा है और नाज़रीन ने भी देखा है। थैंक यू वेरी मच सर, आप थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी हमून, आज बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, आज तो मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी है कि मैं साइम के सेगमेंट में कह रही थी कि ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें मेरी गुजर रही थी। अच्छा, जो वो पहले जब वो बात बता रहे थे ना तो सीधा मेरे जहन में फिनलैंड और आइसलैंड आ गए, वो इस एनर्जी को यूज़ और उसके बाद हमने कवर किया, डॉक्टर अकदस ने आके एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट किया पैलिएटिव केयर के ऊपर, और उसके बाद चार चांद लगाए राजा चंगेज़ सुल्तान साहब ने, जहाँ पर अब आर्ट की बात कर ली। मेरे ख्याल में आज कुमराट वैली की भी हमने सैर की है, तो बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में कवर हो गया। तो मैं सोचूं कल के लिए भी हमें कुछ छोड़ना चाहिए अब, है ना? ऐसे ही तो चले जी, हमने कल की तैयारी भी करनी है, इसलिए हम जाएंगे अब आपसे इजाज़त लेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई इंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि हम हमारे शो को कहते हैं जी इन्फोटेनमेंट शो है। तो देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।